বিবেকানন্দের জন্মতিথি অনুষ্ঠানে এসে আবারও বিস্ফোরক মন্তব্য রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের। তিনি বললেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদটিকে নিয়ে রাজনৈতিকরণ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সংঘর্ষের স্থিতিতে আছে, রাজনৈতিক দলগুলি বিরোধিতা করতে পারে, তবে সরকারের তরফে বিক্ষোভ করতে পারে না বলে জানান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। বেঙ্গালকে হাল কে কুছ বর্ষো মে হালাত কো দেখতে হুয়ে और पश्चिम बंगाल की पहचान असलियत से दूर हटकर जो बन रही है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे कल्चरल प्लेस है, एक से एक महानुभावों ने दुनिया को दृष्टि दी है, दुनिया को दिशा दी है, दुनिया की दशा सुधारने का प्रयास किया है, दुनिया ने उनका लोहा माना है। तो आज प्रातः मैंने चिंतन किया कि ऐसे मौके पर मैं विवेकानंद जी के कौन से वचन प्रथम सेवक होने के नाते जनता के समक्ष रखूं। तो मैंने जो प्रातः ट्वीट किया, टू बिल्ड न्यू इंडिया वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन from Swami Vivekananda's life. Following his message, a message kya dekhi? Help and not fight. Pehla message. Kya koi dharm iske khilaf ho sakta hai? Kya koi vyakti khilaf ho sakta hai? Assimilation and not destruction. Swami Vivekananda ji kabhi ye nahi jayenge ki chalti gaadi par patthar phenko, railway track ko ukhaado, पुलिस स्टेशन को टॉर्चर करो, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जलाओ, कभी नहीं चाहेंगे। तो कहा असिमिलेशन नॉट डिस्ट्रक्शन, फिर कहा हारमनी एंड पीस नॉट डिसेंशन। एक एक शब्द उन्होंने चुना जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, कम है। लेटेस्ट अब उन्होंने आह्वान किया था उसमें, लेट अस सीज फ्रॉम अब्यूजिंग ईच अदर। और मैंने कहा उनकी जन्म जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, उनके सिद्धांतों को अपनी माने। पश्चिम बंगाल टकराव की स्थिति में है, राजनीतिक दल टकराव कर सकते हैं, सरकारें टकराव नहीं कर सकती, ये मेरा आह्वान है। गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट, इट हैज़ टू वर्क एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, they should work as per constitution. I hope everyone will work as per constitution. और अंत में आपको कहूँगा, प्रधानमंत्री जी का आज का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के लिए अनेकानेक संभावनाएँ खोलता है। नागरिकों को रोजगार मिलेगा, पोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, जाएंगे टूरिज्म के लिए मिलेनियम केंद्र हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शन अधिकार भारत के संविधान इसकी इजाजत देता है, ये अभिव्यक्ति का एक हिस्सा है, पर कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी तरह का सकता है। एवरी थिंग इज बींग डन टू पोलिटिसाइज द ऑफिस ऑफ गवर्नर। मुझे कोई बताए तो सही कौन सी लक्ष्मण रेखा पार की है। आप लोगों से भी अनुरोध है, जिन करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है, उनके मन में एक विश्वास जागा है, उनको लगा है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री दुनिया के नेताओं में प्रथम पंक्ति के अंदर है, निर्विवाद रूप से भारत की ताकत जानने के लिए आप विदेश में जाएंगे और कहेंगे मैं इंडियन हूँ, आपको पता लगेगा इसका अर्थ क्या है। पहले नहीं था, पहले के लोग भी मानते, संयोग अच्छा बना। सबको दिल टटोलने की आवश्यकता है, और आज से बढ़िया दिन कोई हो नहीं सकता। लेट अस बिलीव इन द मैन हु गेव डायरेक्शन टू द वर्ल्ड, हिज शिकागो एड्रेस इज रिमेंबर्ड बाय वन एंड ऑल, नो वन हैज डिसएग्रीड विद दैट। ये मैं कहना चाहता हूँ।